ये हमारे बीच में बहुत भिक्खू लोगों का यहाँ पर देखिए रैली निकाली गई है, जो इन लोगों की क्या मांगे हैं ये भी हम बताते हैं आपको। और इसके पहले यहाँ पर देखिए बहुत भिक्खू बंदा मंदिर, और यहाँ पर देखिए काफ़ी लंबा है, हम बहुत संवैधानिक न्याय चाहते हैं, BTMC चला सकते हैं। और यहाँ पर सबके हाथ में बैनर लगे हुए हैं और एक स्पीकर भी लगा हुआ है, और हम आपको लगातार यहाँ की अपडेट देते रहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बंदाम भंते जी, आप लोग की क्या मांगे हैं, ये जो आप लोग इतनी बड़ी रैली निकाले, पूरे ऑल इंडिया से भिक्खू संघ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप बताइए। अरे जी, ये जो शांति मार्च है, शांति पीस लाड़ी है, ये BTMC के खिलाफ में जो 1949 का एक्ट बना हुआ है, बिहार सरकार ने बनाया है, वो निरस्त करने के लिए ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से ये शांति मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बुद्धों की धरोहर है और बुद्धों ही वहाँ पर नहीं है, बुद्धों के कब्जे में नहीं है। तो हमारा डिमांड है कि 1949 एक्ट जो रद्द करे, जो बुद्धों के खिलाफ, बुद्धों के विरोध में है, और ये जो विश्व धरोहर है ये बुद्धों को सौंपना चाहिए। इसलिए शांति मार्ग हम लोग रैली माध्यम से और कानून के माध्यम से, कानून के दायरे में ये मांग कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान दिया, वो आर्टिकल 19 का हनन कर रहा है बिहार सरकार, हमारे अधिकार को लेकर हमारे आवाज़ नहीं उठाने दे रहे। अभी इतनी संख्या में आ रहे तो मोदी विहार में जाने के लिए मना कर को डिमांड कर दिया, जबकि दुनिया के सारे लोग 2-2, 3-3 हज़ार लोग कार्यक्रम होते हैं, लेकिन हमारे भारतीय बौद्धों के लिए केवल 20 लोगों का परमिशन दिया है। DM के विरोध में हम लोग कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने इस तरह के सौतेला व्यवहार न किया जाए बुद्धों के लिए। इसलिए हम लोग जो कचरा है, जो गंदगी है, ये रैली के माध्यम से झाड़ू लेकर साफ करना चाहते और आह्वान करना चाहते कि जल्दी से जल्दी बुद्धों को ये महाबोध विहार सौंपा जाए। अगर ये नहीं, अगर सरकार मानती तब आगे क्या आप लोग करेंगे? नहीं नहीं, देखिए, मैं आकाश लामा हूँ, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर सिर्फ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एक आह्वान खाली की है, तो यहाँ पर 22 राज्यों से विभिन्न बौद्ध संगठन सब आए हुए हैं। ये कोई विरोध नहीं, ये हम सरकार को जना रहे हैं, हमारे लोग को भी सतर्क कर रहे हैं कि जो BTMC एक्ट है 1949 के तहत, यहाँ पर 9 मेंबर की प्रावधान है, 9 मेंबर में से मात्र 4 ही बुद्धिस्ट है। तो हमारा कहना है कि आर्टिकल 25-26 भी कहता है कि सब अपने धर्म को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बौद्ध स्थल है, ये पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के बौद्ध यहाँ आते हैं, ये तो बड़ी पवन भूमि है। लेकिन यहाँ पर जो अंदर में जो कमेटी है, क्यों अन्य धर्म के रहेंगे? इस यदि ऐसा है तो हमको भी अन्य धर्म में जो या तो बाबरी मस्जिद में रख दीजिए कमेटी में, हम तो करुणा, मैत्री, मुदिता, भाई बंधु के हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी मांग है संपूर्ण रूप से कमेटी में बौद्ध रहे, सरकारी ट्रस्ट है, मानते हैं सरकार की तरफ से DM रहेगी या SDO रहेगी, उनके निगरानी में रहे, उनकी निगरानी में रहे, लेकिन 9 में से 9 मेंबर ही बौद्ध होना चाहिए, हमारी ये शांतिपूर्ण मांग है। और हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बोधगया के वासियों को, बिहार के वासियों को, ये हम कुछ कब्जा करने नहीं आ रहे हैं, हमारी यही मांग है कि 9 में से 9 मेंबर हमारी बौद्ध हो कमेटी में, या ऐसा प्रावधान नहीं है तो हमको भी बद्रीनाथ में, केदारनाथ में हमको भी रख दीजिए एज अ मेंबर, तो वहाँ क्यों नहीं है, यही भी हम जानकारी देना चाहेंगे। यहाँ पर थेरावादी, माहयाना, बद्रयाना, हीनायाना, लद्दाख से लेकर आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, बिहार से काफ़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से, अभी ये आसाम से, त्रिपुरा, सबसे आए हुए जी। देखिए, आपका कहना है, आकाश लामा जी हैं जो कलकत्ता सर, मैं दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग से हैं, और आपका मांग जायज है। क्या आप लोग इस मांग को लेकर कभी आप यहाँ के प्रशासन या मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन भी सौंपा है कि नहीं? पहले भी हम लोग 4-4 बार मीटिंग कर चुके हैं, नीतीश कुमार जी को हम लोग ज्ञापन भी दिए हैं, पोस्टल मार्फत दिए हैं, उनसे मिलने की कोशिश किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ के एक स्थानीय MLA है सतीश कुमार जी, ये आपका के मखदुमपुर क्या विधायक है, उन्होंने भी बात उठाई है विधानसभा में, तो इस बार मानसून सेशन में,
और हमारे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के बुद्धिस्ट मेंबर रिंसिल नामू जी को हम लोग 25 जून में बुद्धगया में बुलाए थे, उनके हम लोग रिक्वेस्ट किए, डायरेक्ट हम बिहार सरकार को भी दिए हैं। रिंसिल नामू जी ने भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, उन्होंने भी लेटर लिखे, उनके रिप्लाई में बिहार सरकार से यही मिला है लेटर कि ये एक सब्जुडाइज मैटर है। और हालांकि जो 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट में केस की गई थी, और उससे पहले भी भानते सुरेश ससा जी ने भी केस की थी, रिट पिटीशन फाइल की थी, लेकिन उसका सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। तो हमारा कहना है यदि ये लेजिस्लेटिव मैटर है तो लेजिस्लेटिवली आप सॉल्व कीजिए। यदि जुडिशरी में, हम जुडिशरी जाना क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान में बनाए हैं, उन्होंने जो लागू किए, आज संविधान दिवस के उपलक्ष में उनको एक श्रद्धांजलि भी है ये हमारे बौद्धों के तरफ से। तो हम न्याय का आशा रखते हैं और न्यायगत ये रहेगा बोल के हम लोग आशा करते हैं, और बिहार सरकार में जो सरकार बैठी है हम पूर्ण आस्था उन पर है। धन्यवाद। ये यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जो रेफल बीटीएमसी एक्ट 1949, यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में है। और ये हम आपको जानकारी, और यहाँ पर तमाम बैनर ऐसे हैं जो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आज बहुत बड़ी रैली निकाली गई है बौद्ध भिक्षु, और यहाँ पर बौद्ध जो अनुयायी हैं पूरे भारत से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर राज्य से आए हुए हैं, और अलग अलग देश से भी हैं, विदेश के भी यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग हैं। और यहाँ पर और भी देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध संगठन की राष्ट्रीय समिति भारत के द्वारा भी यहाँ पर निकाले गए हैं बैनर लगा करके अपनी मांगों को लेकर के। हम जानकारी करते हैं यहाँ पर क्या है इन लोगों की मांगे, और हम दिखाते रहेंगे यहाँ का अपडेट जैसा जैसा है। और आगे भी पूरी हम रैली की, जितनी भी बड़ी रैली है यहाँ पर, सब पूरी रैली की हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर देखिए तिरंगा झंडा भी लिए हुए हैं, और यहाँ पर महान सम्राट अशोक का भी यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। बौद्ध न्याय चाहता है यहाँ पर लिखा हुआ, अलग अलग देश से हैं और अलग अलग राज्य से हैं, हम सबको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी एक बैनर लगा हुए हैं, और ये बहुत बड़ी मांग है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म डोर्स वेस्ट बंगाल से हैं यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। काफ़ी संख्या में इन लोगों की भी संख्या है, काफ़ी दिख रहा है। और यहाँ पर अभी हम आप लोग का इंटरव्यू लेते हैं, पहले पीछे तक का पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा लें, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। ये हम दिखा रहे हैं कि इतनी लंबी लाइन है यहाँ पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कितनी लंबी लाइन है बौद्ध भिक्षु लोगों की। ये आप देखिए यहाँ पर, किसी भी धर्म को दूसरे धर्म द्वारा नियंत्रित क्यों किया जा रहा है, सिलगढ़ी तराई पश्चिम बंगाल लिखा गया है। यहाँ पर और भी लिखा गया है, बीटीएमसी अधिनियम 1948 को निरस्त करें, सिलगढ़ी तराई पश्चिम बंगाल, किसी धर्म को दूसरे धर्म नियंत्रण क्यों किया जा रहा है, सिलगढ़ी तराई पश्चिम बंगाल, बीटीएमसी अधिनियम 1949 को निरस्त करें। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के लोगों का मांगना है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पश्चिम बंगाल के भी देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। यहाँ पर महाबोध विहार को पूरी तरह से किया जाए, और यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया टंबक बौद्धिस्ट एसोसिएशन यहाँ पर दार्जिलिंग से यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए दार्जिलिंग से आप लोग हैं यहाँ पर, अच्छा अच्छा अलग अलग राज से देखिए हैं। और भी हम पीछे ले चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं, ये हम आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ के दिखाएंगे। ये एक एक यहाँ पर काफ़ी संख्या में, कई हज़ार की संख्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आपका ये, और हम ले चल रहे हैं यहाँ पर। आप लोग कहाँ से हैं? हम दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से सभी लोग दार्जिलिंग से हैं यहाँ पर, देखिए वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हैं यहाँ पर, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। और भी सिक्किम से भी देखिए यहाँ पर हैं, सामने सिक्किम से यहाँ पर देखिए बैनर लगा हुआ है, ये इन लोगों का भी यही मांग है, सिक्किम राज से भी आए हुए हैं। और आगे हम और दिखा रहे हैं कि और कहाँ से लोग कहाँ से आए हैं।
इन लोगों की मांग को लेकर के ये इस वक्त हमारे बीच में है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पर देखिए कहाँ से हैं भंते जी? हम लोग सिक्किम से। सिक्किम से, अच्छा सिक्किम से। देखिए यहाँ सिक्किम के भी खुल लोग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। आप मांग इन लोगों की है और मांग जायज़ मांगे है, क्योंकि बौद्धों का होता है ये, जैसे हर धर्म में अलग अलग सबका बनाया गया मनोश्री, और उसी धर्म के लोग यहाँ पर रहें। यहाँ पर देखिए तासी समातेन लिन गेमा तामस बुद्धिस्ट एसोसिएशन स्थापित 1925, पंजीकृत संख्या नंबर लिखा गया सर खरसाड़। ये देखिए यहाँ पर आए हुए हैं और हम ले चल रहे हैं। पीछे भी बहुत लंबी लाइनें हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के लोग भी अभी पीछे भी हैं, काफ़ी संख्या में हैं। इधर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और ये सभी लोगों की एक ही मांग है। यहाँ पर अलग अलग देश से हैं, अलग अलग राज्य से हैं, यहाँ पर सभी लोगों का मांग यही है, एक ही मांग है। और ये हम आपका दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए मेघालय से भी आए हुए हैं, यहाँ पर मेघालय से। ये आप लोग की भी यही सब मांगे हैं? जी हाँ, हमारी भी मांगे यही है। आप लोग की भी यही मांगे हैं? जी हाँ, हमारी मांगे यही है। चलिए अच्छा, आगे अभी पीछे हम कब्र हुई वन जस्टिस जी। चलिए अच्छा, बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देखिए सबका BTMC एक्ट 1949 लागू किया। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ लिखा हुआ है, आज है संविधान दिवस पे इन लोगों को क्यों रैली निकालना पड़ा बौद्धों को, जबकि बाबा साहब ने ऐसा संविधान बना के दिए हैं सभी जात धर्म एक समान, और कोई यहाँ पर छूत अछूत या ऊंच नीच की नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर आज इन्हें क्या जरूरत पड़ी? आज जबकि पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों की ये चीज़ें मांगने पड़ रही है बौद्धों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए दिल्ली से चल करके आए हुए हैं हमारे बीच में, और इस महाबोध की मांग को लेकर के। और पीछे यहाँ पर गुजरात के भी दिखाई दे रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं और चल रहे हैं और चलते रहिए। यहाँ पर देखिए गुजरात बुद्धिस्ट अकादमी अहमदाबाद और धम्म बनास बुद्ध विहार पालनपुर गुजरात से हैं। हम आगे और दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए मांगे मुक्त करो, मुक्त करो, मोदी बुद्ध विहार मुक्त करो, मुक्त करो, मोदी बुद्ध विहार मुक्त करो, मुक्त करो, मानव मानव एक समान, राष्ट्रीय बुद्धिस्ट संघ। यहाँ पर देखिए झारखंड से भी आए हुए हैं और हम ले चल रहे हैं, और पीछे भी यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये इतनी बड़ी लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त। और ये आपका जय भीम सर जी, जय भीम। अगर आप इस मंदिर को आप पवित्र मानते हैं तो मंदिर के अंदर ये अलाउड नहीं होना चाहिए, मंदिर के बाहर तक रहिए और उसके बाद फिर ज्वाइन कर लीजिए। आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? हमने कहा था कोई बैनर भी ना हो कुछ ना, तो वैसे भी परिक्रमा तो हम करते हैं। परिक्रमा कीजिए ना, ऐसे करते हैं डेली। आज हम दूसरा ये कर क्या बोले, आपका क्यों रुका गया है? आप लोगों को प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दिया? अभी इन्हें बोल रहे हैं हम लोग को ये बैनर लेकर नहीं जाना है, क्योंकि बैनर में लिखा है हम बौद्ध BTMC चला सकते हैं। अभी इसमें इनको क्या असुविधा है हमको मालूम नहीं है। हम लोग यहाँ कोई नारा नहीं करेंगे, हम लोग कोई हल्ला-चिल्ला नहीं करेंगे, कोई स्लोगन नहीं करेंगे, कोई स्लोगन नहीं है हम लोग का। हम लोग का जो डिमांड है ये कागज ही बोलेगा, यदि कागज लेने नहीं पाएगा तो हम लोग का डिमांड क्या है, हम लोग का बात क्या है, कोई कौन समझेगा? जी इसमें जो लिखा है वही शब्द जो पड़ेगा वही जानते हैं, हम नहीं बोलेंगे, कागज बोलेंगे। नहीं इसमें से किसी का कोई खतरे होगा नहीं, इसमें करने को बोला 20 आदमी जाके, वो तो वैसे भी करते हैं हजारों में। ऐसे ही हम लोग तो घूमने जाते हैं।
हजारों लोग जाके वैसे भी परिक्रमा तो हम करते हैं ना, अभी जो है ना 20 लोगों को जाके भाई परिक्रमा करके आ जाओ विदाउट स्लोगन, ये बैनर वो मतलब ही नहीं है। हम कहते हैं हम कम से कम बैनर के साथ सिंबॉलिक हम वो जो है प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, घूम के आ जाएंगे, वहाँ जितने भी लोग हैं वो देखें, लेकिन कहते हैं जी ये नहीं ले सकते, तो फिर अंदर जाने को कोई मतलब ही नहीं, फिर प्रोटेस्ट क्या हुआ है ना, प्रोटेस्ट क्या हुआ, वो तो सवेरे शाम हम जाते रहते हैं अंदर, परिक्रमा तो वैसे भी करते हैं। सिंबॉलिक के लिए तो 20 आदमी जाएगा, आप लोग जाइए, बट बैनर के ना बैनर भी तो सिंबॉलिक ही रहेगा, वो भी तो सिंबॉलिक ही रहेगा। लामा जी को बुला लीजिए, जो आपके मैनेजर हैं उनको बुला लीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, अगर वो जैसा होता है उसके बाद बताते हैं आपको। रोका नहीं गया किसी को, किसी का फोन नंबर है लगा रहे देने का, यही मकसद है। हम अगर अंदर जाके हल्ला गुल्ला करें तो वो ना जाए, हम शक्ति से जाएंगे, जो हम देना चाह रहे हैं वो बैनर के थ्रू हम बताना चाहेंगे, नहीं तो इसमें परमिशन देने का अर्थ मकसद ही नहीं रहता है। हर कोई लाखों में जाता है दर्शन करने के लिए, यही इसी बैनर को लेके हम परिक्रमा करना चाह रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो ठीक है हम भी देखेंगे। बोला 20 आदमी को परमिशन दिया है, 20 चार लोग बोला, फिर बिना उठा के जाने से क्या तकलीफ है आपको, फिर हम कुछ हंगामा नहीं करेंगे, हल्ला वाला नहीं करेंगे, आप जाके दर्शन करें। वो तो हम पार्ट टाइम करते हैं ना, सुबह से शाम तक हम दर्शन ही करते हैं, और क्या करते हैं दर्शन, जब सुबह अपना जो अधिकार है वो चाहते हैं दर्शन, तो हम सुबह से दर्शन करते हैं। आप लोग इस बात से क्या सीबीसी आए, आप लोग नहीं जाने दे रहे, हम लोग शांति का प्रतीक है, हम लोग साइलेंट रहेंगे, कोई कुछ बात नहीं करेंगे, नहीं रोक रहे हैं आप लोग, अलाउ नहीं नहीं, आप लोग 20 आदमी अलाउ किए हुआ है, आप लोग पहले बोले 20 आदमी, हम लोग बैनर लेके जाके बैनर में क्या लिखे आप लोग पढ़ के देखिए, इसमें कुछ गलत अगर है आप बोल सकते हैं, क्या गलत लिखा हो ये बात आप लोग बोलिए हमको, बताइए आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे, प्रदर्शन अलग चीज होता है, जो हल्ला करता है चिल्लाता है, लेके जाना भी एक प्रदर्शन का पार्ट होता नहीं होता, वो साइलेंट जो बुद्धिज्म जो बोध है वो कभी नहीं नहीं वो कभी नहीं बोलते। परमिशन देने का अर्थ है अनुमति किससे, परमिशन देने का नियम यानी क्या होता है, बैनर लेके जाने के लिए तो परमिशन तेरे नियम आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके लिए आपको पूर्व में परमिशन लेना ले जा सकते अगर इतना समूह में जो टूरिस्ट आता है बैनर कैसे अलाउ करते हैं, हम तो अपने समूह में जाना जाने का अधिकार दिया गया है, बैनर लेके जाते हैं उनको कैसे अलाउ करते हैं, वो तो आते हैं हम लोग देखते हैं, वो तो बैनर का पिक्चर भी है, आप लोग कैसे अलाउ करते हैं ये बात हमको बताइए, आप लोग अपना कानून दिखा रहे हैं, हम लोग कानून नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग का बौद्ध धर्म है, हम लोग शांति का प्रतीक है। मेरा कहना है सर, कोई भी धर्म समूह का ही पार्ट होता है, एक समूह होता है तभी धर्म बनता है या कोई पंथ बनता है, हम समूह में क्यों नहीं आ सकते हैं, समूह में अलाउड है, आप लोगों को कोई रोका नहीं जा रहा है, बट मंदिर है, मंदिर प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं होता, ये भी हुआ, आप एक मैसेज देना चाहते हैं मैसेज यहाँ तक दीजिए, अंदर जाइए वो अलग चीज है, आप गलत तरीके इलीगली वे में ले जाइए कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर जो लीगल वे में आप दिखा के करके बोलिएगा तो अलाउड होगा क्या, ये नहीं मानेगा, ये अपने जीत पे अड़ा है, अगली बार नहीं गया उसको झोले में डाल दो और फिर अंदर जाओ फिर निकाल लो अपना, झोले में जो कागज लेना मना है क्या, मेरे पास बहुत सारे कागज है, दैट्स अलग थिंग है, वो आपका प्रोसेसर है, वैसा भी है, वो भी तो कागज है।